चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द स्पीड वी एन एक्सलेशन ऑफ ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब हम सबको पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल होती है, एक्सलेशन भी वेरिएबल होता है, एक्सलेशन हमेशा जो है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट होता है, ये सारी बातें थ्योरेटिकल है। अब मीन पोजीशन के बारे में सोचो, पार्टिकल मीन पोजीशन एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन है और वो मीन पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और एक्सलेशन मिनिमम होता है जो कि जीरो होता है और ओमेगा ए होती है ना। अगर ऐसे नहीं बुझा रहा है तो एक्सलेशन का इक्वेशन लिख दो, पोजीशन डिपेंडेंट ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। मीन पोजीशन के लिए एक्सलेशन मिनिमम आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो है, और वेलोसिटी पोजीशन डिपेंडेंट ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और इज इक्वल टू ए ओमेगा। जहां पर एक्सलेशन मैक्सिमम होगा वहां एक्सट्रीम एक्सलेशन मैक्सिमम कहाँ होगा भैया, मी एक्सट्रीम पोजीशन पे, यहां पर एक्सलेशन मैक्सिमम होता है और उसकी वैल्यू होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, और वेलोसिटी मिनिमम होती है जो कि होती है जीरो। अरे भाई रुकेगा नहीं तो वापस कैसे आएगा, वापस भी तो आना है, मीन पोजीशन से जाना है वापस भी तो आना है। अगर यहाँ रुका ही नहीं, एक्सट्रीम पोजीशन पर रुकेगा ही नहीं तो वापस कैसे आएगा यार, वो चलता चला जाएगा। तो रुकेगा तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एक्सलेशन मैक्सिमम। अगर मान लो एक्सलेशन भी जीरो हो गया तो वो तो परमानेंट रुक जाएगा वहीं पे, समझ रहे ना। तो वेलोसिटी जीरो होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे और एक्सलेशन मैक्सिमम होता है। तो व्हेन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एक्सलेशन इज जीरो, डी ऑप्शन सही है, थ्योरेटिकल है।